हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक सीडीएसएम जो महाराष्ट्र के मेडिकल फील्ड में जाने के लिए लिया जाता है उसे 100% में से सिर्फ लेस देन 1% बच्चे 75% से ऊपर मार्क ला पाते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज यानी कि IAS एग्जाम्स में 100% में से सिर्फ 0.1% बच्चे ही एग्जाम्स को क्लियर कर पाते हैं और IAS ऑफिसर्स बन पाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, हमारे ही देश के बच्चे हमारे ही देश में एग्जाम्स को क्लियर क्यों नहीं कर पाते? जरा इसे देखिए, इंडियन टुडे के आर्टिकल में एक क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिया में आज 80% इंजीनियर्स बेरोजगार है और जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। आखिर क्यों हर साल 5% ऑफ इंडियन GDP को महंगा खर्चा करने के बाद भी हमारा देश में आज 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता? अगर पढ़ लिख भी ले तब भी 37% जनता बेरोजगार बन के घर पे बैठी हुई है। अगर क्यों हमारे इंडियन एजुकेशन के पॉलिसीज में ऐसा क्या लूपहोल्स है जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है? If the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass-producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. Education का real मतलब क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब है जो ज्ञान आपने सीखा है उसे आपने प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना। और सिर्फ किताबी ज्ञान एजुकेशन नहीं होता, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो मेमोरी पावर यानी रिकॉलिंग एबिलिटी को टेस्ट करती है, न कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी को। और इससे उनकी क्रिएटिविटी और तालीम पैटर्न्स के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एज पर स्टडी इंडिया में 20 से ज्यादा एवरेज सुसाइड डेथ पर डे होते हैं और ज्यादातर सुसाइड एकेडमिक रीजंस के कारण होता है। और हमारे स्कूल एग्जाम का मतलब अब कुछ नहीं बस रटना रह गया है। वही बच्चा एग्जाम्स में बेस्ट अंक लाता है जो पूरे टेक्स्ट बुक को एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाए। स्कूल के बच्चों के दिमाग में नए नए इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और एग्जाम में उनकी रिकॉलिंग एबिलिटी यानी कि मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपका मार्क्स आपकी मेमोरी रिकॉलिंग के ऊपर निर्भर है। और मैक्सिमम मेमोरी इन्हीं इन्फॉर्मेशन की टेम्पररी होती है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, लेकिन आप मुझे अगर इन्वॉल्व कराओगे तो मैं अंडरस्टैंड भी करूंगा और उसे अप्लाई भी करूंगा। हमारे दुनिया के आइकन जिसमें बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वाल्ट डिज्नी, मार्क जुकरबर् ग, रिचर्ड ब्रांसन, ये सभी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन के कॉमन क्या है? ये सर या तो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हैं और उन्होंने अपने टैलेंट और हार्ड वर्किंग के कारण इस पूरे दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कमा लिया है। डिफरेंट चाइल्ड के डिफरेंट एबिलिटी के ऊपर एक मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री देन इट लिव्स इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट टू बी स्टूपिड। फिश का टैलेंट तो स्विमिंग करना है ना कि पेड़ पर चढ़ना, तो क्यों ना फिश का जो स्विमिंग करने का टैलेंट है उसके ऊपर टेस्ट किया जाए ना कि उसके पेड़ के चढ़ने की क्षमता के ऊपर। हर बच्चों की इन्फिनिटी लर्निंग पोटेंशियल्स होती है जो उसको सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पाते। ये बोलना हमें अच्छा लगता है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ये बात को मानता है? क्या हमारा फैमिली के माता पिता ये बात को मानता है? यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है और ऑब्वियसली हम उसी का ही हिस्सा है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट डिग्री छापने वाली मैसेंस बन चुकी है जो ह्यूमन रोबोट तैयार कर रही है, पर इनमें ना तो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है और ना ही ह्यूमन सेंस इंटेलिजेंसेस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज्ञान दिया जाता है और नतीजा काफी भयानक होता है जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। जाते जाते मैं पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहता हूँ, बच्चों को टॉर्चर करने वाले दुनिया में दो ही जीव पाए जाते हैं, पहले तो टीचर और दूसरी खुद के माँ बाप जब बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। पहली बात तो यह है, बच्चों ने आसमान पर आवाज नहीं लगाई थी कि मुझे पैदा कर, क्योंकि आपको उसकी जरूरत थी इसलिए आपने उसे पैदा किया था। एग्जाम्स के वक्त स्कूल्स वालों को सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो उसके स्कूल्स के नाम को अखबार पर ला पाए। साफ साफ शब्दों में बोलूं तो एजुकेशन बांटी नहीं बेची जा रही है।